तेजस्वी जी तो खूब झारखंड आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन खाली लालू जी से मिलके और चले जाते हैं। और सिंह मने अभय सिंह मनकपुर में ही है। अभी हम झारखंड के धनबाद में हैं और एक गाड़ी हमको दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश, और फोटो भी है तेजस्वी यादव का लगा हुआ, नेता प्रतिपक्ष बिहार। तो झारखंड में भी इस तरह का नज़ारा है, आरजेडी के प्रधान महासचिव इस तरह से गाड़ी में घूम रहे हैं तेजस्वी यादव की फ़ोटो लगा के। तो बात करते हैं कि अंदर में प्रधान महासचिव जी हैं कि वो नहीं हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय क्या प्रधान महासचिव हैं आप राष्ट्रीय जनता दल के? हाँ प्रधान महासचिव हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र रवानी नाम हुआ। सुरेंद्र रवानी जी हैं, और आप ही की गाड़ी है? जी जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आरजेडी की क्या स्थिति है झारखंड? देखिए आरजेडी की स्थिति तो संगठन हमारे 2400 जिला में है, लेकिन यदि हमारे पटना के लोग तेजस्वी जी हों या तेज प्रताप जी हों या और कोई थोड़ा सा भी समय दे दे हम लोग को, तो हम लोग बिहार से अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें झारखंड में। लेकिन थोड़ा तेजस्वी जी को यहाँ समय देना होगा। तेजस्वी जी तो खूब झारखंड आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन खाली लालू जी से मिलके और चले जाते हैं। लेकिन हम लोग का संगठन पे चर्चा होती है, लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं हो पाती है। हम लोग भी चाहते हैं कि समय दे, कार्यक्रम दे। जिस तरह बिहार में जिस तरह कार्यक्रम देते हैं, जिस तरह बिहार पूरा एकदम उबाल में है, उछाल में है, और हम अच्छे सबसे बड़ी पार्टी है बिहार। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी एक नंबर में हम हैं, उसी तरह झारखंड में भी हम एक नंबर में रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ एक ही विधायक है। हाँ अभी एक विधायक है, वो मंत्री भी है। हाँ। सर्व मंत्री है। अच्छा, तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कौन है अभी? अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभय सिंह जी हैं। और सिंह मने? अभय सिंह मनकपुर में ही है। अच्छा। दानापुर से हैं, वो दानापुर के रहने वाले। अच्छा, बिहार के हैं? हाँ बिहार के हैं, लेकिन उनका रांची में पूरा होटल उटल घर द्वार सारा चीज है। अच्छा, वो कितना ध्यान देते हैं संगठन पे? देखिए अभय जी तो थोड़ा अब क्या बोले, अब अभय जी जिला में कार्यक्रम उनको लगाना चाहिए, और जिला वार कार्यक्रम करने से निश्चित है कि हमारा संगठन एक्टिव है कि नहीं आपके प्रदेश? हाँ एक्टिव हैं, लेकिन जो एक्टिव होना चाहिए वो नहीं है। हाँ, तो आप तो एक्टिव हैं, आप तो दिख भी रहे हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी, हाँ, दोनों में जो है, हाँ, थोड़ा हम लोग को समय दे दे तो हम लोग का मिजाज बड़ा गदगद रहेगा। माने मनोबल बढ़ाने के लिए। जी 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 जी। और आप लोग चाहते हैं कि आरजेडी पूरा झारखंड में? अच्छा, जब बिहार झारखंड एक था, हाँ, तो उस समय तो यहाँ पे आरजेडी की जीत होती थी धनबाद वगैरह में, तो पूरा आरजेडी। हाँ धनबाद से, धनबाद जीते हैं, जरिया जीते हैं, जरिया से हमारे आबिद देवी विधायक थी, मंत्री थी, धनबाद से थे। तो जब जिस जगह पे आरजेडी की जीत होती थी, हाँ, वहाँ पर आरजेडी शिथिल कैसे, धनबाद वगैरह में कैसे? देखिए शिथिल होने के कारण बिहार जो बंटवारा हो गया ना, बिहार बंटवारा में ही हम लोग पिछड़ते चले गए, और संगठन भी संगठन है, लेकिन संगठन का जो रूप होना चाहिए वो रूप नहीं था, इसके चलते हम लोग पिछड़ गए। हम लोग का ना समय सत्ता वत्ता थी, अभी भी हम लोग का ना फॉलोअर का कमी है, ना हम लोग का। लालू जी को लेके कैसा क्रेज है यहाँ पर? देखिए लालू जी का क्रेज गरीबों में, आम गरीबों में बहुत अच्छा क्रेज है, किसानों में, मजदूरों में अच्छा क्रेज है। आज भी गरीबों का एकमात्र मसीहा और नेता माने जाते हैं लालू जी हमारे, और इसके चलते बिहार में मानते हैं, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी बनी। हाँ जी जी जी, बिहार में तो अच्छे हैं हम लोग। हाँ, तो अभी पंचायत चुनाव होना है यहाँ। हाँ जी, यहाँ सुने कि पार्टी वाइज चुनाव होना है। हाँ, जाटी जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी? नहीं पहली बार। पहली बार है ना? पहली बार होगा। तो आरजेडी भी तो चुनाव लड़ेगी पंचायत? हाँ, निश्चय लड़ेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग निश्चय परफॉर्मेंस रहेगा, परफॉर्मेंस हम लोग का अच्छा रहना चाहिए। हाँ, तो चाहेंगे कि पंचायत चुनाव में तेजस्वी जी आए? हाँ जी, तेजस्वी जी आए तो बहुत अच्छा रहेगा। तेज प्रताप जी? हाँ जी। अच्छा राबड़ी, जो एक आदमी को, एक व्यक्ति को पंचायत चुनाव में समय दे दे, कोई एक व्यक्ति, तीनों में चारों में कोई एक। कब होना है पंचायत चुनाव? अभी तो घोषणा नहीं हुआ है, अब देखिए हमें जी हमारे कब घोषणा करते हैं। मतलब अब होना है जी, टाइम हो गया, टाइम पूर गया। अच्छा, एक चीज यहाँ देखते हैं, झारखंड में बिजली की कटौती खूब हो रही, 40% तक बिजली की कटौती हो गई। रघुवर सरकार के समय का बकाया है, हेमंत सोरेन को भुगतना पड़ रहा है, बिजली की कटौती हो रही है। देखिए अब चूंकि हम लोग की सीता सोरेन जो हैं, हेमंत सोरेन की भाभी है ना? जी जी जी। वो खुद कह रहे हैं कि बिजली हम लोग को नहीं मिल रहा, कटौती हो रही है, तो केंद्र को कोयला पानी देना बंद कर देंगे। अब चूंकि हेमंत जी हैं, हेमंत जी हम लोग सरकार में है, सीएम है, तो बिजली कटौती तो नहीं होनी चाहिए, और कटौती 40% तक तो कटौती
कटौती हो रहा है। कटौती हो रहा है हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और चूंकि हम लोग का सरकार है तो जो है कटौती होने से हम लोग का। अच्छा, बिहार के आरजेडी के जो नेता हैं कार्यकर्ता, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बिहार के कार्यकर्ता और नेताओं को संदेश देना है कि बिहार में तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन बिहार के कुछ लोग जैसे जयप्रकाश हमारे प्रभारी हैं, वो भी समय उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन समय दें तो हम लोग बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। तो सुरेंद्र रवानी जी हैं और झारखंड के प्रदेश महासचिव हैं, प्रधान महासचिव आरजेडी के, बातचीत किए कि झारखंड में आखिर कमजोर कैसे हो गया आरजेडी और मजबूती के लिए क्या करना होगा। तो एक्टिव होना होगा तेजस्वी जी को भी यहाँ आके, और मनोबल बढ़ाना होगा नेताओं और कार्यकर्ताओं का। इस बार चुनाव जो पंचायत का होगा पार्टी वाइज होगा, और उसमें जो कैंडिडेट होंगे पार्टी से होंगे, तो आरजेडी भी चुनाव लड़ेगी, तो तेजस्वी जी का आना यहाँ पर जरूरी है। तो आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें। चलते हैं, जय भीम जय भारत।